रिवर, प्लीज हैव अ सीट। बताओ जी, रिवर से हम क्या सीख सकते हैं? लाइक रिवर, नेवर गो रिवर्स। इन दैट वे आवर लाइफ इज आल्सो डोंट गेट बैक। बहुत अच्छी बात बोली है। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। कि रिवर कभी भी रिवर्स नहीं जाती है। रिवर में कोई रिवर्स गियर नहीं होता है। हम पता नहीं क्यों रिवर्स मारते रहते हैं कि वो कर लिया होता तो। ये रिवर्स सोचती नहीं है कि मेरे वहां पे तेज बहने की वजह से ये हो गया, वो हो गया, वट एवर इट इज। वो आगे बहती चली जाती है। वो देखती है कि आगे जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उसको किस तरीके से क्रॉस करना है, कैसे अपना रास्ता बनाना है। मतलब रिवर इज ऑलवेज देयर इन दिस मोमेंट। इट इज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट फ्यूचर कि कल मेरे रास्ते में क्या आने वाला है, उसके बारे में नहीं सोचती। पास तो है ही नहीं, रिवर्स तो जाती ही नहीं। जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। वेरी नाइस। और बताइए जी। सर, एक रिवर हो, ओशन हो, उसमें टाइड्स होती है, ठीक है, और वो शांत भी होती है, फ्लो हो रही होती है। तो हमें क्या अच्छा लगता है? अगर वो शांति से रिवर फ्लो करती रहे, अच्छी भी लगती है, सुंदर भी लगती है। बट अगर वो टाइड्स आ जाए, उसमें स्टॉर्म आ जाए, तो अच्छा नहीं लगता। लेट्स गो बिगिन फॉर इट। ये रियलिटी है कि जब रिवर बहुत तेज बह रही होती है तो वो अच्छी नहीं लगती है, और जब बिल्कुल पीसफुल होती है तो अच्छी लगती है। या ये हमारी अपनी एक परसेप्शन है, यानी कि ये हमारा ही अपना एक थॉट है। सोच के बोलना, हाँ, थॉट है या रियलिटी है? क्योंकि हो सकता है किसी को तेज बहती हुई नदी में ही मजा आए और रुकी हुई में मजा ना आए। सर, वाटर स्पोर्ट्स उसमें ही होते हैं। हाँ, वाटर स्पोर्ट्स उसी में होते हैं जब नदी तेज बह रही होती है, जहां पर रैपिड्स होते हैं। अब इसमें एक बहुत मजेदार बात है। यहाँ पर देखो, हम क्या करते हैं, हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं अपनी लाइफ में। हम आइदर और में जीते हैं और खुद फंस जाते हैं। हम अपने ही माइंड की या अपनी बॉडी की एक स्टेट को पकड़ लेते हैं, जैसे रिवर की एक स्टेट को हमने पकड़ लिया, यानी कि पीसफुल स्टेट, कि वहां पे झटके नहीं लगते हैं, सही है, लाइफ स्मूथ चलती है। और दूसरी स्टेट से नफरत हो गई, ऑटोमेटिकली हो गई। जहां आप एक स्टेट के लिए आपने कहा, रिवर की एक पर्टिकुलर स्टेट को, लाइफ की एक पर्टिकुलर सिचुएशन को आपने कहा कि ये मुझे अच्छी लगती है, तो दूसरी उसकी जो अपोजिट है वो अपने आप ही बुरी लगती है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो लाइफ की अगर एक स्टेट को हमने अच्छा बोल दिया, दूसरी हमारे लिए बुरी हो गई, तो अब हम फंस गए। क्योंकि अब क्या होगा, जैसे ही कुछ उथल पुथल होगी या फिर उफान आएगा या बाढ़ आएगी, रिवर में बाढ़ भी आएगी, सब कुछ होगा, वो एज पर द लॉज ऑफ द नेचर अपने आप होता रहता है, कोई करता नहीं है। लाइफ में बहुत सारी चीजें अपने आप होती रहती है। आप यहां से जा रहे हो, अपना आप चुपचाप चलते हुए बड़े खुश होकर के, आ कितना मजा आया, आज सेशन अटेंड किया, पीछे से आया आगे ठाट खाड़ी टल। अब आप क्या कर लोगे इसमें, समझ गए ना? एकदम से सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था सुबह से, और पता नहीं कितने दिनों से, जब से यहाँ पे कॉल आई थी, व्हाटएवर, एकदम से एक सेकंड में सब कुछ बुरा हो गया। और कितना बुरा हो गया पता नहीं, किस लेवल पे बुरा हो सकता है पता है नहीं। लाइफ किस हद तक बुरी हो सकती है कोई लिमिट ही नहीं है। किस हद तक अच्छी हो सकती है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक सेकंड लगता है इधर से उधर शिफ्ट होने में। एकदम से रिवर पीसफुल है, एकदम से आप देखो ये क्या हुआ, ढलान होता है ना, रिवर एकदम से सही बह रही है और आगे आपने देखा कि एकदम पानी नीचे की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही वो आपको दिखेगा, आपकी हालत टाइट, जबकि उस वक्त पीसफुल है और गिरने में अभी 10 दिन बाकी हैं, लेकिन दिख गया है दूर से, तो अब आपकी हालत टाइट, 10 दिन बाद में गिरने वाली हूँ, राइट? तो 10 दिन आपके गए, रिवर का जो पीसफुल स्टेट है उसको भी आप इंजॉय नहीं कर सकते, वहां भी आपकी वॉट लगी हुई है। और फिर गिरे, और फिर गिरते ही आपने देखा कि यहाँ तो पता नहीं क्या हो रहा है, तो चीखोगे, चिल्लाओगे, रोओगे, क्या चाहोगे कि वो हो जाए जो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, यानी कि रिवर पीसफुल हो जाए। रिवर अपने हिसाब से बहती है, ये जो लाइफ है अपने हिसाब से चलती है, ना आपके हिसाब से ना मेरे हिसाब से, जो होना होता है हो जाता है, कितना मर्जी सोचते रहो, सोचते कुछ है होता कुछ और है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर लाइफ में हम दोनों में से किसी भी एक स्टेट को ना पकड़े, जैसे रिवर में हम ये ना कहें कि पीसफुल अच्छी या दूसरी वाली अच्छी, क्योंकि दूसरी स्टेट में क्या होता है, कोई दूसरी से अटैच हुआ पड़ा है कि लाइफ में ना जब तक उथल पुथल ना हो मजा नहीं आता, वो भी पागल हो जाएगा। अरे कब तक एडवेंचर करोगे? आप राफ्टिंग करोगे, आपको 1 घंटा अच्छा लगेगा, 2 घंटा, मैं कह रहा हूं 2 दिन अच्छा लगेगा, बट राफ्टिंग ही करते रहो, पागल हो जाओगे, उल्टियां करोगे, मतलब समझ रहे हो ना। तो लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट लिविंग एन एडवेंचरस लाइफ, एट द सेम टाइम लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट लिविंग अ पीसफुल लाइफ। तो दोनों ही स्टेट को अगर हम मास्टर कर लें,
कि लाइफ में जो होता है होने दो, और दोनों के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब बिल्कुल पीसफुल हो गई, पीसफुल है, उथल पुथल आई, तैयार हो गए, अपनी एनर्जी बढ़ा ली, क्योंकि जब पीसफुल है तो एनर्जी बढ़ा के क्या करोगे, समझे? जब रिवर पीसफुल है, बोट पे आप बैठे हो, आप एनर्जी का क्या करोगे, बैठे रहो, शांति ठीक है, चल रही है लाइफ, अपने आप ही चल रही है, बढ़िया है जी, है कि नहीं? लेकिन जैसे ही आपने देखा कि बाढ़ आ रही है, अब आप पूरी तरह से फिजिकली मेंटली तैयार हो, वक्त आ गया है, खेल शुरू होने वाला है, तैयार हो जा बेटा। एंड देन जब उस प्रॉब्लम से हम बाहर निकलते हैं ग्रो करके, समझ गए, रिवर की एक ऐसी स्टेट आई जो बाढ़ है, जहां पे चारों तरफ लोग डूब रहे हैं, ये आपकी अकेले की बोट नहीं है, अरे लाखों करोड़ों बोट्स हैं, सब डूब गई वहां पर, और आप वहां से निकल करके आ गए, तो क्या बन जाओगे? हीरो। हीरो तो बोलने के लिए कोई है ही नहीं, कोई बचा ही नहीं, देयर इज नोबडी देयर, यू आर कॉम्पीटिंग ओनली विद योर सेल्फ, क्योंकि लोग तो थोड़ा सा कुछ होता है डूब जाते हैं। आप ऐसी ऐसी जगह से निकल करके आ गए, ऐसी ऐसी डेप्थ तक चले गए, कभी ऐसा भी होगा ऊपर से आप नीचे गिरोगे तो आप रिवर की डेप्थ में चले गए, दम घुटेगा वहां पर, वहां पर भी आराम से ऑब्जर्व कर रहे होगे, ये क्या है ये भी है, ये भी रिवर का एक एस्पेक्ट है लाइफ का, ये भी एक एस्पेक्ट है, वहां से भी आपने कुछ सीख लिया। सर रिवर की जैसे डेप्थ होती है इतनी ज्यादा, तो हमारे अंदर भी उतनी गहराई है जो हमें जानना चाहिए, अंदर की क्या क्या है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। रिवर के नीचे पता नहीं क्या क्या है, ऊपर देखें तो लगता है यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है, लेकिन सिर्फ पानी नहीं है वहां पर, और भी बहुत कुछ है, अगर हम उसको हम एक्सप्लोर कर पाए, मतलब कि रिवर की तरह ही हम अपनी खुद की जो डेप्थ है उसके अंदर जा पाए, तो अपनी ऐसी ऐसी डायमेंशंस को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, अगर वो ना करें तो वी आर जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स, प्रोग्राम्ड रोबोट्स, बस चलते चले जाएंगे एज पर द प्रोग्रामिंग, एज पर द कंडीशनिंग, एज पर द मेमोरी, बट अगर अंदर जाने की हिम्मत है तो बहुत कुछ मिलेगा, कई तरह के खजाने मिलेंगे जिसके बारे में इस दुनिया को पता ही नहीं है, दे हैव नो क्लू कि ऐसे भी डायमेंशंस हैं हमारे अंदर, पीपल आर जस्ट लिविंग ऑन द सरफेस, दैट टू अटैच टू वन पर्टिकुलर स्टेट दैट दे वॉन्ट, बट यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग, तो जो होता है हो जाए, तैयार हूं मैं, तो मजा आएगा लाइफ को जीने में, ये हम सीख सकते हैं रिवर से, जैसे रिवर खुद चूज नहीं करती है, एज पर द सिचुएशंस अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, पत्थर आए तो ये नहीं कि रुक गई, आगे बह जाती है, पास में जो हुआ उसको छोड़ देती है, ऐसे ही हमको बहते चले जाना है, ये जो लाइफ है अगर इसको एक रिवर की तरह देखें तो, और हम इसमें बह रहे हैं, तो लाइफ की जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सबके लिए तैयार रहना है, ओपन फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग।